रोशन के करियर की सबसे अहम फ्रेंचाइजी। क्रिश की चौथी किस्त का इंतजार फैन बड़ी बेताबी से कर रहे हैं। क्रिश 4 की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर के साथ चौथी किस्त को बड़ा दमदार बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में एक ऐसे अहम किरदार की वापसी की बात सामने आई है, जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी। ये किरदार है जादू। जी हाँ, वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धि रोहित मेहरा को स्मार्ट, मेधावी और शक्तिशाली वैज्ञानिक में बदल दिया था। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार राकेश रोशन क्रिश 4 में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की कहानी में जादू की वापसी होगी। वैसे भी क्रिश 3 में रोहित मेहरा की डेथ हो चुकी है, लिहाजा जादू को फिर से बुलाने का ये परफेक्ट समय होगा। जादू की वापसी को बेहतर स्तर पर दिखाने की तैयारी चल रही है। मुंबई मिरर से बातचीत में भी ऋतिक ने जादू की वापसी का इशारा किया था। उन्होंने कहा था, दुनिया अब कुछ जादू के साथ कुछ कर सकती है। जादू एक एलियन है जो नीले रंग का है, उसके पास सुपर पावर्स हैं। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में देखा गया था कि संयोगवश धरती से संपर्क होने के बाद एलियन आता है, भोला भाला रोहित उसे छिपा के रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तियां देता है। कोई मिल गया में जादू का किरदार इंद्रवर्धन पुरोहित ने निभाया था, जो बौने कद के कलाकार थे। 2014 में उनकी डेथ हो चुकी है। जादू के कॉस्ट्यूम ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट जॉन कॉर्नर ने बनाए थे। वैसे जादू पर बच्चों के चैनल निकलोडियन पर 2004 में एक एनिमेशन कम लाइव सीरीज आ चुकी है, जिसका नाम था जे बोले तो जादू। कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी। इसका सीक्वल क्रिश 2006 में आया था, जिसमें ऋतिक रोशन ने डबल रोल निभाया, रोहित मेहरा और उसका बेटा क्रिश, जो खुद सुपर पावर से लैस होता है। फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म क्रिश 3 2013 में आई थी। दूसरी क्रिश कभी नहीं आई, क्योंकि क्रिश को ही क्रिश 2 मान लिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आने वाली मूवीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।